लाले का जो मजार शरीफ है ना वहाँ पे पहुँच गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं उसकी मजार शरीफ है, और अंदर चलेंगे और अंदर आपकी पूरा हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि क्या है। और औरंगजेब रहमतुल्लाह ने जब एक वसीयत किया था दोस्तों कि मैं जब दुनिया से चला जाऊँ, मेरी इंतकाल हो जाए, तो मेरी जो कब्र है ना एक साधारण होनी चाहिए जो गरीब की होती है दोस्तों। औरंगजेब तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग वीडियो, एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। मैं फिलहाल अभी हूँ औरंगाबाद औरंगजेब रहमतुल्लाह के शहर में दोस्तों, और आज की ब्लॉग ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ औरंगजेब रहमतुल्लाह का जो मकबरा है वो आज की ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ के अंदर में वीडियो बनाने के अलावा नहीं, लेकिन मैं बाहर से आपको वो दिखाऊंगा जहाँ पे उसका मकबरा बना है, और क्या हिस्ट्री मैं आपको आज की ब्लॉग में पूरा आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको आना है। और मैं अभी हूँ खुलताबाद में, ठीक है। यहाँ पे एक खुलताबाद ऑटो स्टैंड देख सकते हैं, और सामने आप देख सकते हो पहाड़ पे एक मस्जिद है। मैंने यहाँ पे पता किया तो बोले कि वो मस्जिद में अभी भी नमाज होती है, देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, तो देख सकते हो। और ये पूरा पहाड़ और ये खुलताबाद है, खुलताबाद ऑटो स्टैंड है, और यहाँ से भी आगे चलेंगे और आगे में उसका है औरंगजेब रहमतुल्लाह का मकबरा। आगे चलेंगे और आपको आज की हिस्ट्री में औरंगजेब रहमतुल्लाह का जो मकबरा वो देखने को मिलेगा। अंदर में वीडियो बनाने के अलावा होती है या नहीं होती वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको पूरा आज की हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह कौन थे और उसकी मकबरा कहाँ पर बनी, पूरा आज के ब्लॉग में आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार शरीफ है ना वहाँ पे पहुंच गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं उसकी मजार शरीफ है, और अंदर चलेंगे और अंदर आपकी पूरा हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि क्या है यहाँ की हिस्ट्री, और जो भी रहेगी अंदर अलाउ रहेगी वीडियो बनाने का तो अंदर आपकी कुछ पॉइंट दिखाऊँगा, अगर नहीं रहेगी तो मैं बाहर से आपको पूरा इसकी हिस्ट्री बताऊँगा, है ना। ये देख सकते हैं, ये है पूरा आपको दिखा रहा हूँ, ये है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मजार शरीफ, और ये है गेट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह है जो फूल वगैरह मिलती है, और इधर देख सकते हैं, और यहाँ पे ये खुलताबाद, और इधर सामने इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था हजरत ख्वाजा शेख वरुद्दीन गरीब नवाज का, रहमतुल्लाह गरीब नवाज का जो दिखाया था, ये देख सकते हैं, और ये यहाँ पे इसकी रोज़ा शरीफ है दोस्तों। मैं नीचे से आपको दिखा रहा हूँ, ये है औरंगजेब रहमतुल्लाह का जो मकबरा है ना जहाँ पे मजार शरीफ है, वो यहाँ की बाहर की मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू से लिखा हुआ है, ये दुकान वगैरह, यहाँ पे फूल मिलती है, चादर वगैरह मिलती है यहाँ पे, फूल वगैरह, इसलिए यहाँ दुकानें वगैरह है। और यहाँ से देख सकते हैं, सामने आपको दिखा रहा हूँ, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, देख सकते हैं एक साधारण औरंगजेब रहमतुल्लाह बहुत बड़े बादशाह थे, लेकिन उसका जो है ना मकबरा, उसका जो कब्र बहुत ही साधारण है दोस्तों। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ रोड पे, ये खुलताबाद रोड है, औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर में ये खुलताबाद शहर है। वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे होटल भी है, दुकानें वगैरह। और ये दोस्तों, ये सब आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बाहर की है जहाँ पे ये औरंगजेब रहमतुल्लाह के मकबरा है ना, उसके बाहर का ये रोड है। आप देख सकते हैं, मैं अंदर आ गया हूँ। और औरंगजेब रहमतुल्लाह ने जब एक वसीयत किया था दोस्तों कि मैं जब दुनिया से चला जाऊँ, मेरी इंतकाल हो जाए, तो मेरी जो कब्र है ना एक साधारण होनी चाहिए जो गरीब की होती है दोस्तों। औरंगजेब रहमतुल्लाह का पूरा नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुजाहिदीन था दोस्तों, और इसका जन्म 1618 में हुआ था, और इसकी इंतकाल 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था दोस्तों। और इन्होंने अपने वसीयत में ये भी लिखा था कि मेरी मौत के बाद उन्हें उसके गुरुजी सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही दफनाया जाए दोस्तों। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इलाका, ये यहाँ से पीछे साइड का इलाका है औरंगजेब रहमतुल्लाह जो ना रोजा मजार शरीफ, वो अंदर में है। अंदर में वीडियो बनाने का अलाव नहीं, देख सकते हैं, मैं यहाँ से ये पीछे साइड से दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पुराने ज़माने के किला कैसे रहते थे, यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी जो बाउंड्री है ना, इसी के अंदर में औरंगजेब रहमतुल्लाह का मकबरा मजार शरीफ। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह एक ऐसे मुग़ल सम्राट थे जिसने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत में शासन किया था दोस्तों, लगभग आधा शताब्दी तक शासन किया था दोस्तों। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे का एरिया जो कंपाउंड बनाया गया, वो एरिया मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, और वहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा था, अंदर से वीडियो बनाने का अलाव नहीं है, जिसके वजह से मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, आज की ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया औरंगजेब रहमतुल्लाह का मजार शरीफ, रोजा शरीफ। मैं आप देख सकते हैं, मैं नीचे उतर रहा हूँ, और यहाँ से आपको नीचे से दिखाता हूँ कि कैसे, और इसकी हिस्ट्री भी मैंने आपको पूरा बता दिया। एक बार और मैं आपको यहाँ नज़दीक से दिखा देता हूँ, इधर से देख सकते हैं, ये खूबसूरत सा
इसके अंदर जाओगे तो वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। जो भी था मैंने आपको पूरा हिस्ट्री बताया और बाहर से मैंने आपको पूरा दिखाया वहाँ पे, लेकिन अंदर में ना वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है और बारिश भी होने लगी है। तो जो भी था मैंने आपको पूरा औरंगजेब रहमतुल्लाह का हिस्ट्री भी बताया और उसका बाहर का पूरा वीडियो भी दिखाया और उसकी हिस्ट्री पूरा टोटल बता दिया आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ब्लॉग आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।